नमस्कार, स्वागत है आपका स्टोरी की विशेष रिपोर्ट में। आज हमारे साथ हैं द उपभोक्ता संरक्षण संगठन के नवनियुक्त अध्यक्ष, आइए उनसे बात करते हैं कि बहुत तीसरी बार जो हम वो संगठन के जो अध्यक्ष बने हैं, क्या उनकी प्राथमिकता रहेंगी और क्या वो आगे करने वाले हैं। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है एस्टोडे में। आप बताएंगे कि क्या आप तीसरी बार जो हैं वो अध्यक्ष बने हैं, तो क्या आपकी प्राथमिकता रहेंगी इस बार? देखिए, हमारी प्राथमिकता ये रहेंगी कि जो उपभोक्ता के अधिकार हैं उनको सुनिश्चित किया जाए। जैसे कि हमारे पास हमीरपुर जिला है, हम चाहते हैं कि हमीरपुर जिला के जो अधिक से अधिक लोग हैं वो इस अब उपभोक्ता आंदोलन के साथ जुड़ें, अधिक से अधिक लोग जो हैं हमारा जो बेनिफिट उठाएं, अधिक से अधिक लोगों को उपभोक्ता कानून की जानकारी हो, ताकि उपभोक्ता जो हैं ठगे जाने से बच सकें। तो हमारी यही कोशिश है कि अधिक से अधिक लोगों को इस उपभोक्ता आंदोलन के साथ जोड़ा जाए। साथ ही अभी जो है आपने कार्यकारिणी का गठन किया है, उसमें क्या आपने रणनीति बनाई है कि किस तरह से कार्यकारिणी जो है वो काम करेगी, सदस्य किस तरह से जो है वो उपभोक्ता संगठन में जो है वो काम करेंगे? देखिए, इस बार जो हमने कार्यकारिणी बनाई है उसमें मैंने पहले ही कहा था कि हम लोग जो हैं वो सभी वर्गों को लेंगे। उसमें युवाओं को भी इस बार हमने काफ़ी तरजीह दी है, जो व्यावसायिक लोग हैं जैसे रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं उनको भी लिया है, पत्रकारिता से जुड़े लोगों को लिया है। तो लगभग संतुलन बनाने की कोशिश की गई है ताकि हर तबके का जो उनका जो अनुभव है उसका हम लोग फ़ायदा उठा सकें, इसलिए हमारी कोशिश है। और सबसे बड़ी बात है कि हमने कहा था शुरू में ही कि हम लोग लीगल सेल जो है वो अलग से बनाएंगे, उसकी अभी हमने घोषणा नहीं की है। तो उसमें कुछ एडवोकेट्स को अलग अलग जो सब डिविज़न पे एडवोकेट्स हैं उनको भी हम इस आंदोलन के साथ जुड़ेंगे, ताकि लोगों को सस्ता और जल्दी से जल्दी न्याय दिलाया जा सके। इसके साथ ही मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि महिलाओं को अधिक से अधिक जोड़ने की हम चाहते हैं कि इसमें मुहिम शुरू की जाए। इसी मुहिम और इस रणनीति के तहत इस बार हमने जो है पहली बार ऐसा हुआ है कि महिला विंग अलग से गठित किया है, वो हमारे साथ ही काम करेगा लेकिन उसकी अध्यक्ष अलग रहेंगी, ताकि वो अधिक से अधिक महिलाओं की भागीदारी जो है इस आंदोलन के साथ सुनिश्चित करें। क्योंकि देखने में आया कि महिलाएँ भी जो है रोजाना शॉपिंग करती हैं, अगर अधिक से अधिक महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करें, अधिक से अधिक महिलाओं को उपभोक्ता आंदोलन के साथ जुड़े, तो मैं समझता हूं कि तभी हमारा जो आंदोलन करने का जो एक प्रयास है वो सफल हो पाएगा। साथ ही अगर देखा जाए तो हमीरपुर शहर में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जिनसे लोगों को जो है वो रोजाना जो है वो दो चार होना पड़ता है, तो क्या उपभोक्ता अदालत या आंदोलन जो है वो इन समस्याओं को भी, हमीरपुर शहर की समस्याओं को भी उठाएगा? देखिए, हम लोग जैसे जब से ये संगठन बना है तब से ही उपभोक्ताओं के की जो समस्याएं हैं हमीरपुर जिला की, या कई बार ओवरऑल हमीरपुर जिला भी उसमें सफ़र करता है और बाकी जिले भी, तो हम लोगों ने ये मामला उठाया। और क्योंकि उत्तरी भारत का ये सबसे महत्वपूर्ण संगठन है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो संस्थान है वो भी इसको रिकॉग्नाइज करता है, वहाँ पर हर साल हमारे जो दो लोग हैं वो ट्रेनिंग के लिए हर साल जाते हैं, ये बड़े गर्व की बात है। उसके बाद साथ ही मैं बताना चाहता हूँ कि जितने भी संस्थाएं मतलब नॉर्थ इंडिया में रिकॉग्नाइज हैं, उन संस्थाओं में भी सबसे महत्वपूर्ण जो है और सबसे ज़्यादा महत्व जो है दी हमीरपुर उपभोक्ता संरक्षण संगठन को दिया जाता है। इसी कारण मैं आपको सुनिश्चित करना चाहता हूं कि जो भी लोगों की समस्याएं हैं उसको उनके निवारण के लिए हम हर तरह से तत्पर रहेंगे। कोई भी चाहे जर्नल हो या फिर किसी की व्यक्तिगत समस्या हो, गरीब व्यक्ति है, हम लोग उसकी भी सहायता करेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि हम अलग से लीगल सेल भी गठित कर रहे हैं, और हमेशा से पहले भी हम लोगों की आवाज़ उठाते रहे हैं, लोगों की समस्याओं का निवारण करते रहे हैं, और आगे भी हम कोशिश करेंगे कि लोगों की समस्याओं का अधिक से अधिक निवारण करें। और मैं लोगों से भी मांग करूंगा कि वो भी हमारे आंदोलन के साथ जुड़ें, जितने भी प्रोफेशनल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो हमारे आंदोलन के साथ जुड़ें। अध्यक्ष होने के नाते क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अध्यक्ष होने के नाते सभी लोगों से मांग करता हूं कि अपने अधिकारों के प्रति, जो उपभोक्ता अधिकार हैं उनके प्रति जागरूक रहें, अपनी आवाज़ उठाएं। कम से कम व्यक्ति को पहले आवाज़ उठानी पड़ेगी, अगर कोई चाहता है कि उसे न्याय मिले तो उसे कम से कम पहले आवाज़ उठाए, उसके बाद हमारे पास आए। उसकी अगर समस्या का निवारण अपने स्तर पर नहीं होता तो हमारी कोशिश होगी कि हम लोग करेंगे, लेकिन सबसे पहले यह है कि आपको उपभोक्ता अधिकारों के प्रति साक्षर होना पड़ेगा, और साक्षर होकर आप अपने अधिकारों की आवाज़ उठाएं। तो आपने देखा कि दी हमीरपुर उपभोक्ता संरक्षण संगठन के अध्यक्ष ने हमसे बात की और अपने विचार रखे, और लोगों से भी अपील की कि संगठन के साथ जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। एस टुडे के लिए हमीरपुर से मीनाक्षी की रिपोर्ट।